केंद्र सरकार ने बढ़ाई एमएसपी की दरें। आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। 6 फसलों पर बढ़ाई गई दरें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के जौ चना मसूर सरसों कुसुम। किसानों को कितना लाभ। आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल जो 6 मुख्य फसल होती है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है और अब रबी की फसल के जो दाम हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के जौ चना मसूर सरसों कुसुम उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा जो कि एमएसपी बढ़कर 1980 रुपये होगी। चना 5650 रुपया क्विंटल मसूर 6700 रुपया प्रति क्विंटल रेपसीड और सरसों 5950 रुपया प्रति क्विंटल कुसुम 5940 रुपया प्रति क्विंटल। पिछले साल से जो वास्तविक वृद्धि हुई है एमएसपी में गेहूं की एमएसपी में वृद्धि 150 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है जौ में 130 रुपये प्रति क्विंटल चना 210 रुपये प्रति क्विंटल मसूर 275 रुपये प्रति क्विंटल रेपसीड और सरसों 300 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये एमएसपी बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर लाभ देकर किसानों की फसल को खरीदेंगे। लागत पर जो लाभ अब है प्रतिशत के हिसाब से गेहूं पे 105%, जौ पर 60%, चने पर 60%, मसूर पर 89%, सरसों पर 98% और कुसुम पर 50%। ये कभी कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। लागत पर कम से कम 50% लाभ देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का किसान हितैषी फैसला किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बीजेपी की सरकार ने किया है। और अगर 2014 के हिसाब से आप देखें तब तक कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2004 पर नहीं जा रहा हूं, तब तो एमएसपी की दरें और बहुत नीचे थी, लेकिन 14 और 24 में भी अंतर अगर देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया क्विंटल था, जौ केवल 14 में 1100 रुपया क्विंटल थी, चना 3100 रुपया क्विंटल था, मसूर 2950 रुपया प्रति क्विंटल थी, सरसों केवल 3050 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम केवल 3000 रुपया प्रति क्विंटल बिका करता था और वो भी खरीदनी होती थी। ये मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गेहूं तो पूरा खरीदती है लेकिन हमने फैसला किया अरहर मसूर उड़द जितनी आएगी सब खरीदेंगे किसानों के हित में।